तो रुक करते अगली खबर खरगोन की ओर, जहां प्रशासन की बड़ी कार्रवाई आई सामने। 100 वर्षों से पूर्व जमीन को अतिक्रमण से कराया मुक्त। शहर के मांगलूल रोड पर बुधवार को प्रशासन ने अब तक की बड़ी एक अनोखी कार्रवाई की। यहां प्रशासन ने 100 साल पुराने कब्जे की बेशकीमती करीब 12 एकड़ कृषि भूमि अपने कब्जे में ले ली थी। सुबह करीब 10 बजे एसटीएम ओम नारायण सिंह नवा, सीएमओ प्रियंका पटेल भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे चली कार्रवाई में यहां बने कच्चे पक्के निर्माण तोड़े गए। दोपहर 1 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर भी पहुंचे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि उक्त भूमि 1925 में बागेश्वरी मंदिर के नाम से अलाट थी, जिसके प्रबंधक के तौर पर कलेक्टर के अधीन है। शासन के निर्देश पर उक्त भूमि पर किए गए कब्जे को हटाया है। देखिए अनुमानित कीमत लोग 50 से 60 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन सबसे ये है कि शहर के भीतर ये बहुत ही बेशकीमती जमीन है और बहुमूल्य शासकीय जमीन। लंबे समय से सर कब्जा कर रखा था सर, ये आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों से कब्जा था और संबंधित व्यक्ति पे अपराध दर्ज हुआ था जो कब्जाधारी था, और वो भी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध दर्ज हुए थे, और उसको समय क्यों एक्शन नहीं लिया इसकी जाँच की जाएगी। ये क्या सर प्रबंधक कलेक्टर इस ट्रस्ट के थे सर, उनके नाम से दर्ज थी रिकॉर्ड में? हाँ, बेसिकली ऐसी सारी ज़मीनें जो मंदिरों की ज़मीनें हैं और मंदिरों को उपयोग के लिए दी जाती हैं, वो प्रबंधक कलेक्टर का नाम इसलिए दर्ज होता है कि उसका उस ज़मीन का उपयोग मंदिर की देखभाल के लिए हो, किसी के निजी लाभ के लिए। अब सर ये ज़मीन किसके कब्जे में सर अब रहेगी? ज़मीन चूँकि प्रबंधक कलेक्टर है तो इसके लिए तहसीलदार यहाँ के रिसीवर होंगे और उनके कब्जे में रहेगी, और भविष्य में अगर कोई अगर इस पर कब्जा पाएगा तो तहसीलदार। ज़मीन से कब्जा हटाया गया है, इस पर जो बोर्ड लगा हुआ था वो बेसिकली 2017 में रेप का एक्ट था, एक माइनर लड़की के साथ में बलात्कार केस रजिस्टर्ड था, एट्रोसिटी की धारा में केस रजिस्टर्ड था। तो रेप के एक्यूज के द्वारा इस प्रकार का जो कब्जा किया गया था उसको प्रशासन और पुलिस ने रोक हटाया है। उसमें केस में फर्दर क्या अपडेटेड स्थिति है इसकी जानकारी लेंगे, ये प्रशासन की तानाशाही है, जबरदस्ती है। हम 1925 से जमीन पर खेती कर रहे हैं, ये मंदिर की जमीन है और हमारे नाम पे है, बाप दादाओं के नाम पे है। अचानक हमें कल प्रशासन बुलाता है और कल कहता है कि कल हमको बुलाया और तहसीलदार बोले कि कागज प्रस्तुत करो, तो हमने कहा कि एक दिन का समय दो, हम आपको कागज प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई हमें नोटिस भी नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी और अचानक आज आके तोड़ा ताड़ी करने लगे। हमारा आप देख रहे हैं कि जो हमारा मकान टूट गया है, फसल नष्ट हो रही है और हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ, सरकार से, विशेष शिवराज सरकार से निवेदन करता हूँ कि आपके राज्य में जो आपका नाम शिव है और शिव नाम के ऐसे पुजारियों को